तो दोस्तों आज 21 तारीख और कल हम नीलकंठ महादेव से आ गए थे घूम के। कल हम रुक गए थे हरिद्वार में, यहीं पे रेस्ट किया। अभी हम थोड़ा शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, सभी मतलब मालाएं और कपड़े वगैरह ले रहे हैं भोलेनाथ के। ये ऐसी कुछ भीड़ चल रही है। फिलहाल हम हरकी पौड़ी के पास ही है, अभी 7:20 हुई हुई है। आज का हमारा प्लान है, आज हम मतलब खरीद कुछ भी खरीद के जिस चीज़ की जरूरत है जल उठा के आज हरिद्वार से निकल लेंगे। कुछ वो लोग अभी मंजा नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ शॉपिंग में लगे हुए हैं। आज यहाँ से हम सभी कावड़ लेंगे अपनी पसंद की। अभी सब सोच रहे हैं कि सेम ही कपड़े पहनेंगे, ग्रुप में अलग ही दिखेगा। जिस चीज़ की जरूरत है मुझे, मैं तो मतलब घर से ही लेके आ गया था सब कुछ, फिर भी मैं सोच रहा हूँ धूप के लिए एक कैप ले लूँ और मालाई वगैरह जो भी गले में है गला खा लिया। दोस्तों काफ़ी देर शॉपिंग करने के बाद अब हम घाट पर पहुँच चुके हैं। मेरे सामने गंगा माता है और ये देखिए आप भी। बोलो गंगा मैया की जय। ये जिसके ऊपर मैं हुई है हाथी पुल, इसको हाथी पुल बोलते हैं। दोस्तों सुबह से हम आके हरिद्वार में घूम ही रहे थे, पूरी मार्केट को एक्सप्लोर किया हमने, सभी ने शॉपिंग की कुछ ना कुछ। और फिलहाल मैं आपको ऐसी जगह पे ले गया हूँ जिसके लिए सब एक्साइटेड रहते हैं, वो है हमारे भोले बाबा। ये देखिए उधर सामने हरकी पौड़ी है, वहाँ पे भी जाएंगे अभी हम। अभी बस आपको दूर से व्यू दिखा रहा हूँ मैं। उधर वहाँ पे मनसा देवी है और आइए चलते हैं वहाँ पे। देखो भाई क्या एंजॉय दे रहा है, चल गए यहां पे नहीं आ गए। तो हम भी आपके लिए पूरे हरिद्वार में ही घूम गए आपको अच्छे अच्छी लोकेशन दिखाने के लिए। ये देखो दोस्तों सुबह से 2 बज चुके हैं और अब जाके हमें गंगा में नहाने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये देखिए सब तैयारी में है, इस वाले बैठे मेरे पे ही। वैसे पानी भी ठीक है, ज़्यादा गहराई नहीं है, कम पानी छोड़ रखा है इस बार, बहुत कम, वो भी बोलो की सेफ्टी के लिए। हो गया
बहुत ठंडा पानी है भाई। बहुत चिल्ड पानी है एकदम ठंडा ठंडा, सारी थकावट दूर हो गई। तू वैसे घूम के थक चुके थे। आहा, मजा आ गया भाई। दोस्तों मैं अब नहाऊंगा, करते हैं बाद में बात आपसे। दोस्तों हमने कावड़ भी ले लिया है, अब हम यहाँ से लास्ट बार स्नान करके फिर हम गंगा जल भरेंगे और फिर यहाँ से रवानगी लेंगे। और कावड़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये है कावड़ और एक ये, बाकी लोगों ने जल वाली जो कैन है वो ले लिया है, वो बैग में रख के वो लेके चलेंगे। मैं भी उन्हीं में से हूँ। और भीड़ बहुत ज्यादा है, ये देखिए भीड़ कैसी है। कैन तो ले लो दोस्तों। हमने हमने स्नान भी कर लिया और अब हम कावड़ में ही चलने वाले हैं। पूजा पाठ सब हो चुकी है और केवल बस निकलना बाकी है। हेलो जी, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। दोस्तों अब हम हरिद्वार से जल लेके निकल लिए हैं और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये इसमें इसके अंदर जल है और ये मैंने स्पेशल आपकी वजह से लिए हैं, क्योंकि आप देख रहे हो जो कावड़ अगर मैं ले लेता तो दोनों हाथ मेरे बिजी रहते, मैं वो लोग नहीं कर पाता अच्छे से, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया ताकि मेरे दोनों हाथ फ्री रहे और मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ कावड़ का एक्सपीरियंस। और अब हम हरिद्वार से बस निकलने ही वाले हैं। करा गया अंकल जुगाड़। दोस्तों चलते हुए 10-15 मिनट हो गई, अभी मुश्किल से 2-4 किलोमीटर चले होंगे हम, 1 या 2 किलोमीटर। और आज का हमारा टारगेट वैसे तो रुड़की है, लेकिन रुड़की को बाईपास करके हम सीधा मंगलोर की तरफ निकल जाएंगे। देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे, चल रहे हैं धीरे धीरे। छोटे बोले जय बोले की। देखा कितना छोटा बोला था, सब पहुंच जाएंगे भोले बाबा की द्वारा, सबको हौसला मिल पाए। दोस्तों अब हमने पहला ब्रेक लिया है, टाइम हो गया है 7:45 और चले थे हम 4:45, लगभग पूरे 2 घंटे के बाद हमने ब्रेक लिया है, उससे पहले रुके नहीं थे। और 12-13 किलोमीटर कवर भी कर लिया हमने, अब फिलहाल पहुंचे हैं हम बादराबाद और जवालापुर के बीच में है। अब थोड़े आगे बादराबाद आएगा, कुछ साथी हमारे पीछे रह गए थे, उनका वेट कर रहे हैं, हम सबसे आगे चल रहे हैं। मैं, मुकुल, अतुल और आर्यन, 4 बंदे आगे हैं, 5 बंदे पीछे हैं, वो सारे हमसे एज में बड़े हैं। अच्छा सफ़र चल रहा है आपकी दुआ से। ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी अच्छी वेट कर रही है। अब जैसे ही वो लोग आएंगे वो भी थोड़ा इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे रुड़की के लिए निकल लेंगे। देखते हैं जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे, वैसे अंधेरा तो होने लगा है, जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे मैं आपको अपडेट दूंगा। दोस्तों अभी हमें एक भोला मिला
और ये देखो मेरे पीछे कवर 20 लीटर जल इसके अंदर है और 20 उसके, यानी टोटल 40 लीटर जल है। और ये देखो भोला, और भोला देखो हरिद्वार से मेरठ जाएगा, हिम्मत की बात है भाई साहब। आप एक घर पे आप एक उठा के देखना ये कितना वजन होता है इसके अंदर, और भोला दो दो लेके जा रहा है। मैं तो घोड़े की बॉडी देख के यकीन नहीं कर रहा। और देख लो, और भोले ने मुझे बताया ये उनकी 8वीं कावड़ है सेम यही। यार हिम्मत है, देखो भोले बाबा सबको हिम्मत देते हैं। हिम्मत तो समझ मिलती है भोले। बोले आपने किस वजह से उठाई थी ये? मैंने बोल रखे थे बोले, मेरे माता पिता ने बोल रखे थे। भाई साहब मेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई, देखो 10-12 कवड़ मैं भी लेके आ गया लेकिन मेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई इस कवड़ को उठाने की। और देखो भोले का शरीर देखो उस हिसाब से, मतलब हिम्मत है यार, और मतलब 8वीं कवड़ है। देखकर पूछ ही लिया भोले भाई तुम्हारी आया के सेवा दो, भोले ने बताया कि अकेले ही है। और भोले के मतलब और भी साथी है, भोले ने सबको पीछे छोड़ रखा है 4 किलोमीटर, स्पीड भी बहुत अच्छी है। अच्छा 11 बजे चल पाएगा, और मतलब आधा किलोमीटर चला है फिर रुक जाए। हमने तो 5:30 बजे से उठाया था, इतना सारा जल मेरे आधे किलोमीटर चला जाता होगा। क्या तो मतलब कितने बंदे उठाए उसे? भोले 12 बंदे ठाक ला रहे, 20 बैंक लग गए। भाई साहब एक कावड़ को 20 बंदे उठा के ला रहे हैं जिसके अंदर 251 लीटर जल है, 50-50 लीटर के 4 और 2 ये है, और 2 55 लीटर के भी है। भाई साहब हिम्मत है यार, और इन्हीं के ग्रुप के हैं वो भी, मतलब सारा ही ग्रुप ऐसा है बोलेगा हैवी कावड़ ही उठाते हैं। जाना बोले हम जाके पूरा महादेव। रात के 12 बज चुके हैं, खाना वाना खा के अब एक जगह पे लेट गए हम। देखो लेटना तो ऐसा होता है, मतलब कुछ पता नहीं कहाँ पे लेटना होगा, कहाँ पे जहाँ पे भी अच्छा कंफर्टेबल है वहीं पे लेट जाओ। और आप सोच रहे होंगे अब मैं कहाँ लेटा हूँ, ये देखो कोई मतलब बैंक का ठोला है खाली पड़ा हुआ था, और कवड़ियों को कोई भी मना मतन नहीं करता, इसलिए हम आ गए अंदर, बाकी कोई नहीं आया।
अच्छा अपना मोबाइल भी चार्ज हो गया है, मोबाइल की भी बैटरी डाउन हो गई थी, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सुबह मिलते हैं आपसे। अभी हम हैं मतलब हरिद्वार से 15 किलोमीटर के करीब आगे आए हैं हम, यहाँ से मंगलौर ऐसा है 20 किलोमीटर के करीब। कल हम मंगलौर को क्रॉस करके शायद बुरका जी तक पहुँच जाए, ऐसा टारगेट रहेगा। बाकी जैसे भी होगा आपको दिखाऊंगा मैं, और आप बाकी आपने झांकियाँ देख ली है कैसी कैसी चल रही है, बहुत अच्छा मन लग रहा है। मतलब दिन में भी रात में भी किसी भी टाइम चल सकते हो, अभी भी सब मतलब कंटिन्यू है, चल लो सब अपने डिसाइड किया सुबह चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं सुबह।